या हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेडू। दोस्तों, जैसा आपको पता है, आजकल हम मिक्स क्वेश्चनों की जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और जितने भी भारत के जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चनों में हम डिस्कस कर लें। तो आइए, चलिए बात करते हैं। जिन्होंने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उनमें काफ़ी बेसिक है। धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो पहले आप बेसिक देख लीजिए, फिर धीरे धीरे जो अगर कोई ये डायरेक्ट वीडियो इसको भी देख लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप बेसिक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं। उत्तराखंड के गढ़ों को उनके स्थान पर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया था। देखो, जो नालागढ़ है वो आपका देहरादून में था, मुंगेर जो मुंगेरागढ़ था वो आपके रवाई उत्तरकाशी में था। हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है कि रवाई कहाँ है, तो रवाई उत्तरकाशी में, इसलिए मैंने साइड में लिख भी दिया गया था। जो मुंगेरगढ़ है वो रवाई उत्तरकाशी में है। उपगढ़ कहाँ है दोस्तों, उपगढ़ आपका उदयपुर में है। और आपका संगेला, संगेला कहाँ है, नैलचामी। ये भी पूछा गया है कि नैलचामी कहाँ है, तो नैलचामी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए बात करिए परिमार्जन नेगी। परिमार्जन नेगी को पुरस्कार दिया गया था अभी हाल ही, कुछ टाइम पहले आपका परिमार्जन नेगी को पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, वो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक है आपका जो हरदयाल सिंह है, तो हरदयाल सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। हरदयाल सिंह बहुत टाइम पहले दिया गया था, तो इसे, ये जो जीते थे वो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। ये पूछा जा चुका है कि हरदयाल सिंह को कौन सा आपका पदक मिला है, तो आपका ओलंपिक स्वर्ण पदक उनको मिला था। आपका रेणु कोहली, तो रेणु कोहली को उस समय पर द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और गीता मनराल, गीता मनराल को मिला था आपका एशियन रजत पदक। दोस्तों, जो एक्स्ट्रा आपका नॉलेज की बातें हैं वो मैं वीडियो डालता रहूंगा, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड में आप जाके देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड में जाके वहाँ वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके मैथ्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, मैथ्स के लिए बनाया गया है। हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स, जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हाउ टू काउंट ट्राइंगल, तो उसमें भी क्या है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इंग्लिश के लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, धीरे धीरे उसमें भी अपडेशन आता रहेगा, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस में ही मदद मिलेगी, आपको हर चैप्टर में मदद मिलती रहेगी। तो एजी टूडे के साथ बने रहिए, आगे आपको सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी। ठीक है, तो गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार, दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है कि गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार क्या है। आपका मसूरी, मसूरी है जो द्वार है, मसूरी द्वार है, मसूरी से ही गंगोत्री यमुनोत्री जाया जाता है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव कब तक प्रकाशित रहता है, मतलब वहां पर लाइट रहती है। तो यह ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है कि 21 मार्च आपका 23, 21 मार्च से आपका 23 सितंबर तक रहता है, और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश रहता है, तो ठीक उल्टा रहता है, आपका 23 सितंबर से 21 मार्च को रहता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऋतुएं। बहुत लोगों को ऋतुएं नहीं पता होती हमारी, तो ऋतुएं हमारी पांच होती हैं। तो पांच कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है, एक हमारी वर्षा ऋतु होती है, एक शरद ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस डेट से कब तक आपकी ग्रीष्म ऋतु रहती है, और वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है, शरद ऋतु और शीत ऋतु और बसंत ऋतु, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, एक होता है कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन क्या होता है, देखो कंटूर लाइन दोस्तों क्या होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास दो हाइट के पर्वत हैं, सपोज करियो पृथ्वी पे दो हाइट के पर्वत हैं या फिर दो सबसे ऊंचे चट्टान वाले हैं, तो इनको, इनके हाइट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, ऐसे इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, आपकी कंटूर लाइन होती है। तो इसलिए लिखा भी गया है पृथ्वी पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, और ये रेखा ऐसी नहीं कि जोड़ी गई है, ये काल्पनिक रेखा है, हम मानते हैं इस रेखा को। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं, अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं, तो हमारे ट्रोपोस्फीयर में होता है, हिंदी में उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। एक है दोस्तों पाक जल संधि, जो पाक जल संधि है दोस्तों कहाँ है, ये आपका जो पाक जल संधि है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रामेश्वरम। देखो तो रामेश्वरम दोस्तों कहाँ है, रामेश्वरम आपका धनुषकोडी तमिलनाडु में। दोस्तों जो धनुषकोडी है ना, रामेश्वरम क्या है, कौन से, एक पंबन ब्रिज होता है, एक पंबन भारत में क्या है, एक पंबन ब्रिज। ठीक है, पंबन ब्रिज से जाया जाता है वहां, कहाँ, धनुषकोडी। और ये धनुषकोडी है ना, ये तमिलनाडु का ना आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है। उसके बाद जो आपने राम सेतु सुना होगा, राम सेतु की क्या बोलते हैं उसका नाम, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है, और ये हमारा भारत, ये हमारा भारत का आखिरी है, तो दोस्तों यहाँ पर से क्या होता है, एक एक हमारे पास एक वो भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड कह सकते हैं,
ठीक है ना, ऐसा हमारे पास आइसलैंड है। और धीरे धीरे ना एक पंबन द्वीप आता है, फिर पंबन द्वीप है, पंबन सपोज करो ये पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप में क्या है, ये आपका कहीं पे रामेश्वरम है, और रामेश्वरम जो आखिरी पॉइंट है ना इधर, यहाँ पर धनुषकोडी है कोने में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा रामेश्वरम में ही क्या है, धनुषकोडी है रामेश्वरम, तो आपका क्या है वहाँ पर जहाँ पर बहुत एक पर्यटन स्थल भी है, तो वो किस में, वो आपका पंबन द्वीप में है, और वहीं से पंबन ब्रिज के द्वारा जाता है। और लास्ट में जो बोला जाए ना, लास्ट में जो आता है वो धनुषकोडी आता है, और धनुषकोडी के बाद ही आपका क्या स्टार्ट होता है, धनुषकोडी के बाद में आपका राम सेतु स्टार्ट होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा धनुषकोडी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में आपका है, ठीक है। और अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं आपकी, देखो अगर अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा आएगा, कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की गंगा बहुत लोग ना उसे गंगा ही मान लेते हैं, या फिर आपका गोदावरी को मान लेते हैं, पर वो गलत है। जो दक्षिण भारत की गंगा है वो है आपकी कावेरी नदी, और गंगा जो गंगा की सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है जो क्या कहते हैं उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, उत्तर की ओर जो बहती है वो आपकी सोन नदी है, वो आपकी कौन सी सोन नदी है, जो बिहार वाला क्षेत्र है, जो उत्तर की ओर क्या करती है बहती है, तो वो आपका सोन नदी है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ, जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है दोस्तों वो आपका यमुना नदी है, जो कहाँ से निकलती है, वो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसके लिए आपका एक ट्रिक भी था यहाँ पर, कि यमुना घाघर पहनकर सोन को करम राग सिखाती है, तो इससे आपका राम गंगा हो गया, राम गंगा उत्तराखंड से निकलती है, एक सोन भी है, कौ से कर्मनासार भी है, पैन से पाहुल भी है। तो दोस्तों इस घबराइएगा नहीं, सपोज करिए हमारी जो गंगा नदी है वो ऐसे निकलती है, तो सब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यमुना आपको पता है इलाहाबाद में ऐसे करके मिल जाती है, फिर इसमें आपका जो नदी मिलती है वो आपकी चंबल नदी भी मिलती है, और चंबल नदी के बाद आपका यहाँ से और भी नदियाँ इसमें ऐसे ऐसे करके मिलती हैं, फिर धीरे कुछ कुछ नदी हैं जो हमारे क्या है आपका राइट से मिलती हैं, कुछ हमारी लेफ्ट से मिलती हैं, तो ये राइट है ये लेफ्ट है। यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे गंडक मिल जाती है, ये नदी गंडक है, और क्या बोलते हैं सबसे जो लास्ट की नदी है वो महानंदा है गंगा में, और आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अगर सपोज करो एक फरक्का जो आपका कहाँ पड़ता है, फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ से क्या होता है जो आपकी गंगा नदी है वो टूट जाती है, यहाँ वो हुगली नदी बन जाती है। और आपको पता है कि जो हुगली नदी है वो, हुगली नदी अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ, जो हुगली नदी है वो को कहाँ से होके जाती है, वो कलकत्ता के बगल से होके जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो बस आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, बट ये है कि धीरे धीरे अभी आप ये हमारा प्लेलिस्ट जो चल रहा है वो हमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चनों पर बेस पे चल रहा है, इसलिए इतना सारा बताना भी ठीक नहीं है कि यहाँ पर चंबल मिलती है, फिर यहाँ गंडक मिलती है, यहाँ महानंदा मिलती है, और यहाँ पर से आपकी जो एक है रामगंगा मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी सारी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ जो गंगा नदी की वो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिलहाल जितना मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत ये याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं, हम इसको साफ़ कर लेते हैं पहले, चलिए ठीक है दोस्तों। बात करते हैं गोदावरी, गोदावरी आपकी जो दक्षिण भारत की गंगा है वो आपका कावेरी नदी है, अगर दक्षिणी गंगा बोलेगा या वृद्ध गंगा बोलेगा तब आपको गोदावरी मानना है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको दक्षिणी गंगा बोलेगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, ये वृद्ध गंगा भी क्या होता है गोदावरी को ही कहा जाता है। ओके चलो ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है कि दहाड़ता चालीसा क्या है, दोस्तों दहाड़ता चालीसा क्या है आपकी पश्चिमी पवन है। ओके मिश्रित खेती, मिश्रित खेती क्या होता है, जब दोस्तों क्या होता है कि आप पशु को भी, ठीक है पशु को भी और खेती को भी करते हो ना साथ में, या फसल उत्पादन करते हो, तो उसको हमारे साथ मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है अलग करता है, रेड क्लिफ लाइन दोस्तों, जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपके भारत पाकिस्तान में कब खींची गई थी, आपको पता है 1947 में आपकी ये जो खींची गई थी रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, ठीक है, और ये सर रेड क्लिफ के द्वारा ठीक है खींची गई थी। ओके बात करते हैं मैकमोहन लाइन की, मैकमोहन लाइन भारत चाइना, ठीक है भारत चाइना में के बीच की लाइन है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ड्यूरंड लाइन दोस्तों, ड्यूरंड लाइन जो है वो आपके किसके बीच में है, वो आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरंड लाइन। आपको पता है जो भारत और अफगानिस्तान बाउंड्री बनाता है ना, सिर्फ 81 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये हमारा सपोज करो क्या है, ये हमारा कश्मीर है, और जो बनाता है वो ऐसा कुछ बनाता है ये इस टाइप से, यहाँ पर ये जो POK है ना, POK ठीक है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसके साथ क्या करता है ये बाउंड्री बनाता है जो 81 किलोमीटर है, 81 किलोमीटर है, ठीक
ठीक है ना सिर्फ, तो उसके साथ वो क्या करता है बाउंड्री को बनाता है। ठीक है, बात आगे चलते हैं अपने उसमें। तो ड्यूरेंड मैंने आपको बता दिया है, एक है 38 डिग्री। तो 38 डिग्री जो 38 डिग्री जो लाइन है वो किसके किसके बीच में है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो उसने बहुत बार पूछा जा चुका है। सियोल, सियोल क्या है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। ठीक है, सियोल आ चुका है यहाँ पर, दक्षिणी कोरिया के बारे में आ गया था। ये बहुत उस समय इशू में था, तो इसीलिए क्या है, जो आपकी दक्षिणी कोरिया की राजधानी है तो सियोल आपकी राजधानी है। ओके, भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ पैदा होते हैं। जो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ना, जो ठंडियों में क्या बोलते हैं उसका नाम, वो करते हैं आपकी वर्षा पैदा कर देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पश्चिमी पश्चिमी एशिया में से पैदा होते हैं। ओके, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी स्थापित पत्र, दोस्तों दैनिक पत्र निकाला था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। ठीक है, वो आपका मराठा निकाला था। वंदे मातरम, दोस्तों वंदे मातरम आपका बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1922 में, दोस्तों 1922 में चला था। एक दोस्तों पूछा जा चुका है कि सीसीटीवी, ठीक है, सीसीटीवी आपने जगह जगह में देखा होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपका क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ओके ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 2-3 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको आराम से ये क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। ओके थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रख।